ओम नमः शिवा हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बस आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और मंत्रोच्चारण करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का मंत्र कहते हैं। शास्त्रों में इसे महामंत्र भी कहा गया है। इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करने से व्यक्ति निरोगी होता है, जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। आइए भक्तों जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा है महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मार्कंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडू को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दे दिया, परंतु भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडू को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनते ही ऋषि मार्कंडू विषाद से घिर गए। कुछ समय बाद ऋषि मार्कंडू को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 वर्ष ही होगी। ऋषि मार्कंडू बहुत दुखी हो गए, चिंता मग्न हो गए। यह देख उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो ऋषि मार्कंडू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मार्कंडू ने पुत्र की अल्पायु की बात मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्हें यह दिलासा भी दी कि यदि भगवान शिव की कृपा होगी तो अकाल मृत्यु टल जाएगी। अकाल मृत्यु का ये भय है वो टल जाएगा। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे और उनकी अकाल मृत्यु का जो भय था, अकाल मृत्यु का जो डर था, वो टल गया और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इस मंत्र का जो भी भक्त नित्य प्रतिदिन उच्चारण करता है उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और भक्त दीर्घायु को प्राप्त होता है। आइए भक्तों, हम सभी मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का शुद्ध मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृताम्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों, समय पूरा होने पर मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें भगवान शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस लौट आए, पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए स्वयं साक्षात यमराज आए। यमराज ने जब अपना पाश जब मार्कंडेय जी पर डाला तो बालक मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए।
गई। ऐसे में पास गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज जी की आक्रमणता पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब भगवान शिव ने कहा, मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया, साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी भक्त इस मंत्र का नियमित जाप करेगा वह जीवन में कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा और हमेशा भगवान शिव की कृपा का पात्र बनेगा। तो भक्तों, ये था भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र। हर रोज नित्य प्रतिदिन सभी भक्तों को इसका जाप करना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर भक्त अपने जीवन में सुख के साथ यापन कर सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।